बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जॉब वर्ल्ड में आप सबको वेलकम। तो जैसा कि आपको पता है व्यूवर्स के जॉब वर्ल्ड हमेशा आपके साथ लेटेस्ट अपडेट्स लाता है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो या किसी किस्म की कोई प्रोग्राम स्कीम हो, यहाँ पर आप तमाम उनकी अपडेट्स देख सकते हैं। तो आज मैं जिस जॉब की आपके साथ अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ वो सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट की जॉब है। यहाँ पर जस्ट सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल। बहुत ही ज्यादा आसामियों का ऐलान किया गया है क्योंकि ये अर्जेंट बेस पर यहाँ पर भर्तियों का ऐलान किया गया है। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपने कोई सा भी ब्राउजर यूज करते हुए educatives.com लिखना है तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ पर आप कीवर्ड की मदद से भी इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप जॉब सर्च कर सकते हैं, इस्लामाबाद जॉब्स हैं, पंजाब जॉब्स हैं, सिंध जॉब्स हैं, KPK जॉब्स हैं, तो तमाम जितने भी सूबे हैं इनकी जॉब्स को कवर करता है। और यहाँ पर आप MCQs भी सर्च कर सकते हैं, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो, जनरल नॉलेज या मेडिकल से। इसके अलावा यहाँ पर आप इसकी जॉब्स को कहीं भी शेयर भी कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टा या पिंट्रेस्ट के थ्रू, और यहाँ यूट्यूब पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रही थी सिंध डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट जॉब्स की, तो यहाँ पर उस जॉब को सर्च करने के लिए आपने करना क्या है, सिंपली SPSC जॉब लिख के सर्च बार में सर्च पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जो लिंक शो होगा वो सिंध डिपार्टमेंट जॉब्स का होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने जो पहला लिंक शो हो रहा है वो SPSC जॉब्स अप्रैल 2024-304 प्लस स्टाफ नर्सिस अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो अगर हम जॉब लोकेशन की बात करें तो सिंध जॉब्स हैं, यहाँ पर जस्ट सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं। न्यूज़पेपर की बात करें तो जंग न्यूज़पेपर में इसका ऐड आया है, इसकी पब्लिश डेट 31 मार्च है जबकि इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 6 अप्रैल है क्योंकि ये बहुत अर्जेंट बेस पर ये जॉब जो है वो अनाउंस की गई है और फौरी भर्तियों की यहाँ पर ज़रूरत है, तो इसलिए इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, अभी भी 2 दिन है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जॉब्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट जॉब्स हैं। एजुकेशन जो है वो यहाँ पर BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं या मिडवाइफरी जिनके पास डिप्लोमा है होल्डर्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट बेस्ड जॉब है, मेडिकल जॉब्स हैं। यहाँ पर इनकी सीट्स नेम भी कितनी इसकी असामियाँ हैं वो भी यहाँ पर मेंशन है। अगर आप जनरल की बात करें तो यहाँ पर जो दही इलाके की है वो 137 है और अर्बन की 91 है और यहाँ पर जो टोटल आप देख सकते हैं वो 228 है। डिसेबल का जो कोटा उसमें 9 सीटें हैं रूरल के लिए और जो 6 हैं वो है अर्बन के लिए और 15 ये टोटल हैं। इसी तरह माइनॉरिटी का भी कोटा दिया गया है, यानी कि यहाँ पर नॉन मुस्लिम लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो इस्लाम के अलावा जिस भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। तो 9 है रूरल की और जो 9 है रूरल की और जो 6 है वो अर्बन की है, तो टोटल ये भी 15 है। वुमन कोटा की बात करें तो 28 जो वो रूरल की है यानी कि दही इलाके की और जो 18 है वो शहरी इलाके की हैं और इस तरह 46 है। यहाँ पर आप इनकी डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर इनकी जो एज है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो है वो 18 से 35 साल के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। यहाँ पर इसका ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी डिटेल्स। और यहाँ पर अब मैं आपके साथ इसकी शेयर करती जाऊँ जो है इसके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं हुकूमत सिंध के महकमा सेहत ने स्टाफ नर्स BPS 16 मर्द और खातून के लिए 304 असामियों की ऑनलाइन दरखास्तें मतलूब हैं। जो स्टाफ नर्स BPS 16 मर्द और खातून यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और काबिलियत और तजर्बा की बात की जाए तो खवातीन के लिए नर्सिंग में डिप्लोमा या मिडवाइफरी में डिप्लोमा पाकिस्तान नर्सिंग कोर्स के पास इसकी रजिस्ट्रेशन हो और मर्द के लिए तो नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, किसी भी नर्सिंग मजमून में 1 साल स्पेशलाइजेशन जो स्पेशलाइज डिप्लोमा हो जो कि पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल की जानिब से तस्लीम शुदा हो। तो यहाँ पर आप इसकी बाकी भी हदायात पढ़ सकते हैं। अहम हदायात की बात करें तो आपने इसके लिए 500 का चलान पे करना है स्टेट बैंक में या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में जो कि सुबह सिंध में वाक्य हो। यहाँ पर आप इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ कि यहाँ पर 2020 को पूरी की जाने वाली हुकूमत सिंध की तमाम महकमों में खाली असामियों के लिए जो बलाई उम्र है तो उसमें आपको 15 साल की जो है अमूमी रियायत भी दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ इसका ऑनलाइन अप्लाई का। तो सबसे पहले तो इसका हमें यहाँ पर जो है
चालान फॉर्म पे करना है। तो चालान फॉर्म के लिए यहाँ पर आपको एक लिंक नजर आ रहा है, डाउनलोड चालान फॉर्म क्लिक हियर, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने इसका चालान फॉर्म आ जाएगा। तो जैसे ही आपके सामने इसका यहाँ पर चालान फॉर्म खुलता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि उसे कैसे आपने फिल करना है। यहाँ पर जो आपका लिंक नजर आ रहा है चालान फॉर्म क्लिक हियर टू डाउनलोड, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आपके सामने चालान फॉर्म खुल जाएगा। तो चालान फॉर्म को बहुत ही आसान है भरना, यहाँ पर आपने अपना नेम देना है कंप्लीट, यहाँ पर एड्रेस, तो यहाँ पर आपने इसको अपने सिग्नेचर मेंशन करने हैं, और अगर आपका किसी तरह का अथॉरिटी में पहले से आपकी है, रेमिटेंस या पर्टिकुलर है आप किसी के, तो आप यहाँ पर वो मेंशन करेंगे, वरना नहीं तो नहीं। यहाँ पर आपने टोटल अपने 500 रुपीज़ लिखने हैं, यहाँ पर 500 रुपीज़ ओनली इंग्लिश में लिखना है और यहाँ पर भी आपने 500 रुपीज़ मेंशन करना है। इसी तरह आपने ये तीनों के तीनों चालान फॉर्म भर के बैंक में जमा करवा देने हैं। तो अब अगर बात करें कि इसमें कैसे, यहाँ पर अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इसकी एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, और अगर ऑनलाइन अप्लाई की बात करें तो सिंपली आपने इस लिंक पर क्लिक करना है तो आपके सामने इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो ये सिंध फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स हैं। तो अगर आपका पहले से यहाँ पर अकाउंट बना है तो सिंपली आपने यहाँ पर अपना CNIC देना है और यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखकर लॉगिन कर देना है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर अकाउंट नहीं बना, अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले आपको यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पर जो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर अपने अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर आपने अपना CNIC मेंशन करना है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपका ईमेल आएगा, यहाँ पर आपने कंफर्म ईमेल करनी है, यहाँ पर आपने पासवर्ड देना है और यहाँ पर कंफर्म करके रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद आप लॉगिन में जाके पासवर्ड देकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक डिटेल वीडियो के जो सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हैं उसकी आपके साथ मैंने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की कि यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है और क्या है अप्लाई का प्रोसेस। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियो से अपडेट रहने के लिए जॉब वर्ल्ड विजिट करें। अब तक के लिए मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।